नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो गर्मी आ चुकी है, इस गर्मी के सीजन में ठंडा ठंडा कस्टर्ड बच्चे बड़े हर किसी को बेहद पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाफ लीटर दूध लेंगे, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। और इसे गर्म होने के लिए हम एक पैन में डाल देंगे और इस दूध को हम गर्म होने लेंगे। तब तक क्या करेंगे कि इसमें से हम एक कलछी दूध हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। तो देखिए यहाँ पर उबाल आ चुका है, तो इस स्टेज में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कलछी से दूध को हम चला लेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आधा कप चीनी लेंगे, आधा लीटर दूध के लिए आधा कप चीनी सफिशियंट है। तो अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट तक, लो फ्लेम पर बिल्कुल हम इसे उबालेंगे तरीके चलाते हुए, ताकि दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर दूध के उबलते हुए 5 मिनट हो चुका, दूध गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो दूध जो निकाले थे उसमें हम उस दूध में हम 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिला देंगे। कस्टर्ड पाउडर आसानी से मार्केट में मिल जाती है या फिर ऑनलाइन भी मिल जाती है। और क्या करें, थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालें और चलाएं। तो इस तरीके से एक बार पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे चलाते जाएं और फिर डालते जाएं। तो इसे डालने के बाद दूध हमारा एकदम गाढ़ा हो जाएगा कस्टर्ड पाउडर। इसे थोड़ी देर लगातार चलाते हुए उबालें 2 से 3 मिनट तक। तो सारी चीज़ डाल चुके हैं, तो उबल चुका है, देखिए 2-3 मिनट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करके ठंडा होने देंगे। तब तक क्या करेंगे, इधर हम फ्रूट्स वगैरह काट लेंगे। तो यहाँ पर हम अंगूर, केला, काजू, किशमिश, एप्पल, अनार, तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप या जो भी फल हो आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कस्टर्ड का जो दूध है वो एकदम ठंडा हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर जब आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में घुसा कर ठंडा करके ड्राई फ्रूट्स डालें, या फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स कर डाल कर फ्रिज में ठंडा कर लें 2-3 घंटे के लिए। तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स और ड्राई नट्स को डाल दिए। अब हम इसे क्या करेंगे, कलछी से अच्छे से मिला लेंगे, है ना। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना बढ़िया गाढ़ा। और इसे फ्रिज में हम रख दे रहे हैं अब 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये कस्टर्ड बनकर तैयार होती है, बहुत ही झटपट, है ना। इसे बच्चे बड़े हर कोई बेहद पसंद करते हैं और इस गर्मी में खाकर बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इस रेसिपी को बनाएं, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।